सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आज का हमारा टॉपिक है जियोपॉजलाइट के ऊपर में। दोस्तों ये जो जियोपॉजलाइट है अभी ये ओपन नहीं हो रहा है ना, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो देखिए ओपन करने पर हमें क्या इंटरफेस देखने को मिलता है, तो इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। इससे हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, लॉगिन नहीं कर पाते हैं, इसका सॉल्यूशन लाए हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। तो मैंने जब से जियोपॉजलाइट को यूज़ करना स्टार्ट किया तब से ये अच्छा ही चल रहा था, सारा कुछ अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन जब न्यू अपडेट आया, इसका न्यू वर्जन लॉन्च हुआ, तब मैंने इसे अपडेट किया। तो अपडेट करने के बाद ही मेरा फ़ोन पर काम नहीं कर रहा है, इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने सोचा अब ये मेरे जो पैसे पड़े थे, मैंने लगभग इसमें 2000 रुपये ऐड किए थे, तो 2000 ऐड करने के बाद ये पूरा मतलब एप्लीकेशन बंद हो गया। तो मुझे लगने लगा मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, मैंने ओपन नहीं हो रहा था। मैंने कई सारे कस्टमर केयर से भी बात करने की कोशिश की, ट्राई की, तो उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो फिर जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक मुझे लगने लगा कि मेरे पैसे सारे डूब गए। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा है, आपको मैं इसका हिस्ट्री दिखा देता हूँ, मैंने किस तरीके से काम किया है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे फर्स्ट मैंने जब इसमें मनी ऐड किया था तब 14 अक्टूबर था 2022 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। और यहाँ मुझे अर्निंग हुई थी, लोड करने पर अर्निंग हुई थी। फर्स्ट मैंने 14 अक्टूबर को 1000 ऐड किया था, उसमें मुझे 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देन 13 जनवरी को मैंने 2000 का ऐड किया मैंने, उसमें मुझे 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2000 ऐड करने के बाद में ये एप्लीकेशन का अपडेट आया, उसमें सारा कुछ चला गया, लॉगिन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगने लगा कि सारे पैसे डूब गए, अब क्या करना। मैंने यूट्यूब पर कई बार सर्च किया, इसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि गूगल प्ले स्टोर के रिव्यूज़ है, उसमें भी मुझे देखने को मिला कि इस वाले फ़ोन पे वर्क नहीं कर रहा है एप्लीकेशन। देखो लेटेस्ट अपडेट है, अभी इस अपडेट नहीं आया है जनवरी के बाद में, लास्ट अपडेट 24 जनवरी, देख सकते हैं यहाँ पर आप। और इसका रिव्यू देखो क्या कह रहा है, किसी के फ़ोन में यूज़ कर मतलब ओपन हो रहा है। देन मैंने यहाँ क्या किया, रेटिंग एंड रिव्यूज़ में गया एंड दिस डिवाइस ओनली किया है ना, लेटेस्ट वर्जन दिस मॉडल ओनली, इसमें अप्लाई किया। देन अप्लाई करने के बाद यहाँ बोल रहा है कि इस वाले वर्जन पे वर्क नहीं करता है ये एप्लीकेशन। देखो सभी ने देखो Y11 में ऑलरेडी यूज इन द ऐप फॉर रिचार्ज बट यस्टरडे ये ऐप वर्क नहीं कर रहा है ना। देखो सभी ने 1 स्टार दिया है इस वीवो Y11 वाले ने। ठीक, तो मैंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है, चलिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन कुछ फ़ोन में काम कर रहा है, कुछ फ़ोन में काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया, मेरे दोस्त के फ़ोन मांगा और उस दोस्त के फ़ोन में मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसने अपना नंबर एंटर किया। एंटर करने के बाद में मुझे दिखाई दिया कि ये एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसका वर्जन मैंने जानने की कोशिश किया, तो उसका भी मॉडल नंबर है ये Redmi Note 7 Pro। इस वाले फ़ोन पर मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और यहाँ आप उसका वर्जन देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन। इस वाले फ़ोन पर अभी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। मैंने उसका वीडियो बनाया था, ये रहा ये वीडियो है, उस फ़ोन में मैंने इंस्टॉल करा। देन मुझे इंस्टॉल करने के बाद जब एप्लीकेशन ओपन हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई, लगा मेरे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, है ना। देखो 2000 रुपये ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है, चिंता होती है, मेरे पैसे डूब गए, ये हो गया ऐसा लगता है ना। तो मैंने सोचा कि आपके भी पैसे कभी डूबे होंगे इस तरह से, जैसे मेरे डूबे हैं ना। तो देखिए मैंने इसमें कितना बार रिचार्ज किया, कई बार रिचार्ज किया हूँ, मेरा अर्निंग देख सकते हैं। अभी मेरे वॉलेट पे 935 रुपये बचे हुए हैं। ओके, तो यही था आज का हमारा वीडियो। और अगर आपके फ़ोन में भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किसी दूसरे का फ़ोन में ट्राई कीजिए, है ना, तो उसमें वर्क करेगा। और वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। ओके, तो आपने किसी अड़ोस पड़ोस या दोस्त से मांगी, इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 ना हो, है ना, उसमें काम करेगा। एंड्रॉयड वर्जन इसमें 11 है, उसमें एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है, आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।